सीट बेल्ट जंगल वाला एरिया रिसोर्ट है रिसोर्ट है नदी को दिया नाला जंगलों में हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। बोटिंग पड़ा है जहाँ हमें पहुँचना है। ओह, ये सच जाएगा। तुम ही उत्तर बंगाल में चलो। पीछे भी एक गाड़ी है। एक गाड़ी में दो गाड़ी। पीछे का बोलो, खिलाड़ी का बोलो, शॉप बोलो। जंगली एरिया रांची का भयंकर आरो भयंकर हेलो दोस्तों फाइनली हम मेन पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है। हमारी गाड़ियां सब पार्क हो चुकी हैं। हम यहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। सब मेंबर जिन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेना है गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। रांची का फॉरेस्ट एरिया सबके सब स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जाते हुए ये रहा स्विमिंग पूल। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब है कि आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, उसको सिर्फ देखेंगे नहीं, डू भी करेंगे, एक्ट भी करेंगे, खुद से कुछ एक्सरसाइज करेंगे। उस एक्सरसाइज के दौरान आपकी लर्निंग होगी, कुछ डिकवेज होता है। तो आज के हमारा जो दिनचर्या है शेड्यूल आप अगर आप पढ़े हैं तो एक उसमें पहला था सेफ्टी इंस्ट्रक्शन का। एक था कि 9:30 बजे निकलना है, लगभग हम लोग उसको सही समय पर आ गए सब कोई। और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है कि एक तो चलते समय ध्यान रखेंगे, नया जगह है, टोपोग्राफी उसको ऊपर नीचे है, गिरे नहीं, स्लिप वगैरह कर सकते, उसको सेफ्टी फर्स्ट हर चीज़ जो सेल का हमारा मोटो भी है। और अभी जो हम लोग जो है इस शेड्यूल देखे होंगे तो हमारा जो है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस, टीम वर्किंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो हमारा आज का लर्निंग रहेगा,
और लर्निंग तो बहुत सारा चीज़ साथ में होता है। 27 पार्टिसिपेंट्स हैं, कल मैं आपके साथ दिन भर था और आज हमारे साथ हमारे दो सहयोगी दो कलीग साथ में हैं, जितेंद्र हेमरम जी हैं, चंद्रनाथ कुमार जी हैं। ठीक है, तो साहब हमारे बहुत पुराने फैकल्टी हैं एंड अभी काफ़ी साल से TA टू ED भी हैं। एक मिनट में 1 किलोमीटर दौड़े हैं, ठीक है ठीक है, मतलब हाथ नीचे नहीं करना है। अगर हम बोल दें अकेले तो बहुत कम लोग दौड़ पाएंगे, अगर बोलेंगे आप 5 आके मिल जाएंगे और आपको 1 मिनट है और आपको 1 किलोमीटर डिस्टेंस पांचों का मिला के पॉसिबल है, इजीली पॉसिबल है ना? तो क्या डिफरेंस है दोनों में? और इनका एक छोटा लड़का है 3 महीने का और इनको बैडमिंटन का बड़ा शौक है। ये हमारे टीममेट जयंत कुमार दास, ये राउरकेला से हैं, RSP में काम करते हैं, क्रिकेट कट की एक बेटी है और टीम कल्याणी के मेंबर दीप किशोर और उनका नेटिव है तेलंगाना, जो जॉब करते हैं के CFP में, उनका डिपार्टमेंट है SOD पैरालॉइड डिवीज़न के, ये कंट्रोल रूम ऑपरेटर्स है और इनका 10 साल जॉब में हो गया। इनके दो बेटे हैं और इनकी हॉबी है मार्शल आर्ट्स एंड फुटबॉल। मैडम का पसंद है जो गाना सुनता है, लेकिन बीच में रहने से ना डिस्टर्ब करता है। सपोज हम बीच में हैं और मेरे बगल में 22 है, ये क्या सोचेंगे कि हम मारेंगे? 22 तो हमको दिख ही नहीं रहा है, हमको 22 तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम तो खड़े हैं। आपका करोगे पूरे के अंदर रहे, जीत जैसा चल रहा है गेम अच्छा से एक्सप्लेन किया था पूरा टीम को सर। जब आप गेम खेलिए लेकिन एकजुटता बहुत जरूरी है। जब मेरा सवाल रहेगा वो पूरा टीम को ड्राइव करने का जो एक्सपीरियंस है वो, और क्या टीम में सही हुआ और क्या टीम में गड़बड़ हुई, आपका थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे और बताइए कि आपका एक्सपीरियंस एज ए लीडर कैसा रहा? लोगों ने आपका बात सुना, कम्युनिकेशन अच्छा रहा जी, कुछ लोग नहीं सुन रहे थे ओपन ऐसा कोई? नमस्ते, यहाँ पे सीखने के लिए है सब कुछ, किसी को नीचा ऊपर करने के लिए नहीं है, हम लोग केवल सीखे। नमस्ते सबको, एक्चुअली मैं अपने ग्रुप के बारे में बोलना चाहती हूँ कि सबका कंट्रीब्यूशन गेम के तरफ बहुत ही अच्छा था। हम लोगों का कोऑर्डिनेशन थोड़ा पहले थोड़ा मतलब बिगड़ गया था कि कैसे इसको करेंगे इनिशिएट में, फिर हम लोग थोड़ा बात करके अच्छे से फिर मतलब हम लोगों को सिर्फ अलर्ट होना था कि किसी को जैसे चोट ना आए, फिर उसके बाद हमको खेलना है, अच्छे से खेलना है, पॉइंट लेना है और सबका कंट्रीब्यूशन था। ऐसा नहीं है कि कोई एक बोल रहा है और कोई सब सुन रहे हैं, सबका हम लोग सुन रहे थे कि कैसे हम लोग आगे जा सकते हैं और स्पेड इन लोगों का बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए इन लोगों की वजह से मैं भी थोड़ा मतलब वो भी बोलते हैं। सबसे अच्छा चीज आपके टीम में क्या लगा? सबका पॉजिटिव माइंड सबका था, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, मेरा सुनो, ऐसा नहीं था, सबका सुनना था,
सब अपना बारे में जो भी बोल रहे थे उनको पॉजिटिव ले रहे कि हाँ हो सकता है ऐसा भी करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। और अच्छा हो सकता है कोऑर्डिनेशन, मतलब किसी के मतलब बोल रहे हूँ कि टीम कोऑर्डिनेशन और अच्छा होगा तो टाइम बचेगा और टाइम मैनेजमेंट पूरा गेम का एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैडम ने कह दिया कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं रहेगा तो आप नहीं गेम ये वाला गेम में अच्छा नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट। कोऑर्डिनेशन क्यों खराब रहता है कैसे उसको इम्प्रूव किया जाता है कोई भी बोल सकता है ऐसा नहीं हम इनको खड़ा कर दिया तो इन्हीं को बोलना सर ये जब कोऑर्डिनेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता और क्यों कोऑर्डिनेशन खराब हो एक दूसरे से पहले तो बात करना है कि कैसे गेम को हम लोग आगे बढ़ाए गलतियां कम करें थोड़ा स्पीड भी शुरुआती में कम रहेगा तो चलेगा लेकिन गलतियां होने की गुंजाइश नहीं है। गलतियां कम होंगी एक राउंड में ठीक है स्पीड थोड़ा स्लो है नेक्स्ट राउंड में गलतियां कम करेंगे स्पीड पर ध्यान देंगे फिर थर्ड राउंड में स्पीड भी होगा गलतियां भी नहीं होगी एक दूसरे से बात करते रहना पड़ेगा। हाँ ये इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे जरूरी चीज है कम्युनिकेशन। मैं यही सुनना चाह रहा था इन्होंने बता भी दिया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है इन्होंने सिंपल भाषा में कह दिया कि सबसे लगातार टच में रहना पड़ेगा सबसे बातचीत करना पड़ेगा सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अगर एक सब कोई एक डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं तो कम्युनिकेशन मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कंपनी एक डायरेक्शन में सोच रहे हैं एचओडी एक डायरेक्शन में सोच रहा है और सेक्शन इंचार्ज एक डायरेक्शन में सोच रहा है वह टीम लीडर सोच रहा है हम इसको नहीं बढ़ाएंगे इसको बढ़ाएंगे ये सब अगर डिफरेंसेस आया तो फिर कोऑर्डिनेशन को बिगाड़ने का चांस रहता है। सर हाँ। हम सभी सदस्य के तरफ से कैप्टन हाँ। को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा उसको छोड़ के आपकी टीम में सबसे अच्छा क्या रहा और एक ऐसा इम्प्रूवमेंट हो सकता है वर्कप्लेस का जो काम में होता है यहाँ भी वैसे ही स्टार्टिंग से ही इन्होंने एक चीज़ को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया कि मैम आपको ही बनना हमारा टीम लीडर या जो भी है आपको ही हमारा टीम लीडर बनना है हमें नहीं मालूम है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा इन्होंने मेरी जो कहते हैं ना कि अगर डिसाइड कर दिया तो डिसाइडेड है चाहे वो सही है या गलत है वो चीज़ इन्होंने ऐसा कर जो मुझे इन लोगों का बहुत अच्छा लगा जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया इन सब ने इन्होंने सारी चीजें थॉरली कहीं पे भी मिस्टेक नहीं करी एक एक चीज कहीं पे अगर मुझसे भी मिस्टेक हुई है तो उस चीज को भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तभी किसी चीज की प्रोग्रेस होती है जब तक आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और एक बात इन्होंने कही जैसे टीम ने उनको जिम्मेदारी दे दिया इनको लगा आप मेरे पास तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम को भी इन्होंने ऑन किया और वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे को टीम को लेके चलना है सबका ख्याल हमको रखना है ये जो डेवलपमेंट है ये भी बहुत अच्छा हम सबके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहीं पे भी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं यहाँ सर कम है यहाँ का कुछ रह गया है कुछ ऐसा कुछ भी सबकी बॉन्डिंग एक दूसरे से बहुत अच्छी थी आपको
हमारा ग्रेड जो था उसमें हमको जो अलग अलग हमारा कैटेगरी था दोनों से सेम था, इसलिए हमने थोड़ा सा क्लिप निकाला पहला जब हम खेले थोड़ा सा क्लिप निकाला कि इसको खत्म कर सकते, सेकेंड बार हम लोग किए उसमें भी थोड़ा सा दूसरा क्लिप निकला, हम कंटिन्यूस प्रोसेस में थे, कोशिश किया दो साल में छोटा मोटा गलती हो ना हमारा परफॉर्मेंस स्कोर वाइज हमको पता नहीं क्या हुआ, बट हमारा लेवल वाइज हमारा इम्प्रूवमेंट हम लोगों को दिखा दे सर, सुधार होने का बाद जो बात है कि हम लोग का की पॉइंट बहुत अच्छा है और पॉजिटिव है, ठीक है, और टीम बहुत अच्छा है लेकिन फाइनल में हार गए, टीम बहुत बढ़िया है, ठीक है, अगला मैच हो जाएगा जैसे जैसे वो नंबर होगा तो जो नजदीक वाला नंबर आएगा उसको फटाख से पंच कर, लेकिन हम लोग का सारा कोऑर्डिनेशन तो था लेकिन थोड़ा इम्पल्स और इमोशन जो था थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट में 34 के जगह 44 हो गया या 34 की जगह पे 24 थोड़ा सा हड़बड़ाहट में हुआ है, तो हम लोग को अपना इंपल्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि आगे चल करके हम लोग और इम्प्रूव कर पाए, ठीक है मैडम। और मैं टीम लीडर के बारे में बोलना चाहूंगी कि जब सभी टीम लीडर्स वहां गए उनको गेम के बारे में बताया गया तो सर आए तो सबसे अच्छी चीज ये लगी कि सर ने अपना जो स्ट्रेटेजी था वहां से सुनने के बाद आए हमारे पास उन्होंने हमें बताया और उसके बाद बोले कि अगर हम ऐसा खेलेंगे तो हम जीत पाएंगे, अगर आप लोगों का कोई व्यू है तो वो रखो, जोरदार ताली आप लोगों के कमिटी बहुत अच्छा। कमिटमेंट के बिना कुछ अचीव होता नहीं है, और एक सी जोड़ दिया, एक और सी जोड़ दिया। तो डिफरेंस गेम में बिल्कुल नहीं है, स्कोर हम दिखाएंगे तो कोई विनर कोई अगर बोलेंगे कि हार गए तो ऐसा नहीं, एवरीबॉडी इज विनर, स्कोर में ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस रहा, इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस क्यों रहा है अगर आप लोग उस चीज़ को सोचेंगे तो हर एक्टिविटी हमें लगा कि भाई क्या बात है बड़ा आराम से कैजुअली काम कर, नहीं सर यही सब चीज का मतलब कि सामने वाले के एरिया में जाके करना मंजूर है बट बताएंगे नहीं उनको कि भाई वहाँ है ऐसा भी रहा, मतलब हमको माफ कर दिए एक आदमी खुद अपने को दिखा के पूछा गुड स्पीड में इसको लेंगे, अगर आप इसको वर्क प्लेस से अपने देखेंगे अगर आपको 8 घंटे की शिफ्ट मिलती है ना तो अगर उस टीम में 10 प्लेयर हैं तो सबका रोल है और 8 घंटे को मैक्सिमाइज आप तभी कर सकते हैं 8 into 10 80 आवर्स का बना सकते हैं अगर एवरीबॉडी इज डूइंग वॉलेंटरली खुद से ओन करके, जैसे मैडम बता रही थी जिनको उन्होंने बोल दिया सबने कि आपको लीडर रहना है तो सी ओन्ड इट, ओन भी किए परफॉर्म भी किए और बाकियों को कन्विंस भी किए परफॉर्म। टीम कहाँ पे है वो बता, पहले कल्याणी से शुरू करते हैं, कल्याणी का आफ्टर 3 rounds द स्कोर वाज 80 आपने स्कोर किया एंड जो
सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इनका आया था वो था सेकेंड अटेम्प्ट में वेर यू हैव स्कोर 50. अभी तीन ही राउंड का बात हो रहा है. यू हैव स्कोर 50 मतलब 40 कंप्लीट करके 10 मोर. तो उसमें मेरे ऑब्जर्वेशन नोट करके रखा हूँ कि स्टार्टिंग स्लो एंड देन लेटर ऑन यू स्टार्टिंग जो आपने बताया ये इनके स्ट्रेटजी का पार्ट था. They had deliberately planned कि they will start slow, but no mistake. 85 and आपका जो सबसे बेस्ट स्कोर आया था वो सबसे कम टाइम वाले अटेम्प्ट में आया था. That was third attempt. You scored 41, which was the highest among all three teams. Fantastic. लेकिन slow and steady wins the race. So here comes the three audience. जिनका तीनों अटेम्प्ट मिला के था 89 एंड देयर आर द मेन फॉर द थ्री अटेम्प्ट. तीन अटेम्प्ट की बात हो रही है. और इनका जो सेकंड अटेम्प्ट में 50 था इक्वल टू देम Team Aditya, you scored 23 in that extra time, but only 45 seconds you utilized. Only 31 seconds you utilized. आपके 15 seconds बचे हुए हैं. You had 15 seconds left. यानी क्या कितना और स्कोर मिनिमम 15. And then आपने आपका एम था कि मैं लीडर की पोजीशन हाथ से जाए इसीलिए लोग बोनस टाइम के लिए क्योंकि तब तक वो विनर थे. काउंटिंग स्कोर चल रहा था. यू यूज ऑल योर टाइम विदाउट एनी पॉइंट दैट वाज अवेलेबल बिकॉज़ प्रेशर बहुत ज्यादा आपके ऊपर. यू स्कोर 28 तो टोटल स्कोर ऑफ टीम का यानी वाज 108 congratulations to both of these teams also. तो फाइनली आप लोग पूरा टीम का काम जो है दो लोग पे डाल दिया. क्या भाई तुम ही लोग पहुंचाओ तो होता है. 100 जाना है. 3 का स्किप है ठीक है. बैक टू 3 1 2 3 पे यस एंड स्पीड में ठीक है. स्पीड में स्टार्ट चलो बाहर करेंगे. ये करता है. एक क्लैपिंग हो जाए. मैं जी के लिए फ्रॉम यूएसए माई एक्सपी. वेरी गुड थैंक यू. तो आप लोग का पूरा टीम मिल करके कितना स्कोर किए. माइंड अपने प्लेस पे पहुंच गया सर का. फिर से एक सर्किल बना लेते हैं. बहुत अच्छा काम हो रहा है. चलो
रेल बनाया जा रहा है, मिलेगा ही नहीं तो दे रबर कोई रबर क्या करे, काम बता दे, हटे दे अरे इधर चाहिए, ये चाहिए हमको, वो देखे क्या करेगा, इधर बांधेगा तो कुछ काम है, ठीक है हम भी यहां पे काम कर रहे हैं, बांधो अरे वही तो कर रहा था, वो कौन टाइट कौन ला रहा है, किटा मार रहा है, रुकिए धीरे बहुत अच्छा काम हो रहा है, चलो रेल बनाया जा रहा है, मिलेगा ही नहीं तो दे रबर कोई रबर क्या करे, काम बता दे, हटे दे अरे इधर चाहिए, ये चाहिए हमको, वो देखे क्या करेगा, इधर बांधेगा तो कुछ काम है, ठीक है अरे वही तो कर रहा था, वो कौन टाइट कौन ला रहा है, किटा मार रहा है, ये दूसरी टीम का बन रहा है, गुलेल, इन्होंने इस टाइप का बना रखा है, इनका अच्छा लग रहा है, गुलेल क्रॉसिंग में, वहाँ पे टानो, वहाँ से टानो, फाइन फाइन, बहुत बढ़िया, अरे तो गुलेल मारो, बॉल फेंकने की प्रैक्टिस करते हुए फाइनल कर देखिए कितनी दूर जाते हैं, छोड़ दिया फाइनल कर देते हैं, नहीं करेगा, उनका डिजाइन अलग है, रेडी हो जाएगा क्या, खींचो हो गया हम लोग का सर, फाइनल करते हैं, फोटो फोटो जाने दीजिए, फोटो जाने चलो और कीजिए, बढ़िया आपका बना है कितना देर में 344 लग रहा है कि टीम जीत गया, केवल मेजरमेंट, अभी दूसरा टीम आप लोग थर्ड अटेम्प्ट लेना चाहेंगे कि नहीं, हम सोच रहे हैं, एक नाम और थर्ड अटेम्प्ट जो है सब हटे ही बस विनर टीम, सब लोग आइए सर इधर आइए, के पास ही आना चाहूंगा, ऑब्जर्वर्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है, उनका जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ, जब से गेम का अनाउंसमेंट हमने किया और तब से लेकर के लास्ट तक पूरा जो टीम का बिहेवियर है, क्या उन्होंने रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए, कहाँ पे रूल्स रेगुलेशन तोड़ा गया, लीडर का एक्टिविटी कैसा रहा, टीम मेंबर्स का एक्टिविटी कैसा रहा, तीनों जो ऑब्जर्वर हैं वो अपना विचार रखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक टीम अंकित, किधर है टीम अंकित, हाँ बाकी टीम वंदना ना जी, बोल गए अंकल कौन, प्रभा का नाम है, टीम हम भी इधर पहले तो सपोर्ट में एक पांच आदमी है, पांच क्रॉस प्रदर्शन नहीं है, हार भी नहीं है, तो आप लोग पांच क्रॉस नॉट मोर देन 5 पीपल एट अ टाइम शुड असेंबल, लेकिन इसका शायद ही किसी के दिमाग में ये चल रहा था, जिसको जो मन में आ रहा था इधर उधर हो रहा था, चल रहा था, पकड़े हुए थे, जो कि आप लोग कम कॉस्ट में बहुत अच्छा बनाए हैं, डिजाइन में कितना समय लिया इन्होंने, डिजाइन में ये लोग ज्यादा टाइम लिया है, ज्यादा टाइम लिया, इससे ज्यादा टाइम, इसीलिए आप लोग जीत भी गए, क्योंकि डिजाइन इज द मेन पार्ट, पहले दिमाग में अगर क्लियर होगा कि हम कैसे करेंगे,
यानी में कम था डिजाइन का कॉस्ट कंट्रोल जो करना था ना उसी काम डिजाइन में ज्यादा लिए तो कोई डिस्क्रेडिट नहीं है कॉस्ट कंट्रोल आईडिया इज बोलते हैं ना वेल बिगन इज हाफ डन या प्लानिंग वेल प्लान्ड इज प्लानिंग अगर अच्छा से हो गया तो बाकी तो आप कर ही देंगे बाकी तो ईटा बालू जोड़ना है और क्या कॉस्ट कंट्रोल कैसे करें बाकी तो गाड़ना है कुछ करना है सामान लाना मेन अगर डिजाइन बढ़िया से होगा आपको पता नहीं है ना कि नेक्स्ट दूसरा टीम डिजाइन में कितना टाइम लिया आपको कैसे पता है वो तो हम लोगों को पता है कि दोनों टीम को देखा डिजाइन में ही कॉस्ट को कंसिडर करना डिजाइन में जो टीम कॉस्ट का ध्यान नहीं रखा वो आगे नहीं रख पाए है ना कि तब तक बताते रहो ये टेलीफोन में रबर टीम जो है प्लानिंग में 26 मिनट समय लगा है कौन टीम मतलब लीडर कौन था रबर टीम में सोनी थे नहीं अपन इसलिए टोटल में प्लानिंग में 26 मिनट लगा है और वो जो यहाँ से जो प्लानिंग कर रहे थे उनका टीम का इन्वॉल्वमेंट कुछ लोगों का था कुछ लोगों का नहीं चार पांच लोग इन्वॉल्वमेंट थे चार लोगों का था बाकी चार लोग जो है वो इस कंफ्यूजन में जी रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं कोई नहीं होगा जरूरत नहीं है हां वो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हां टीम मेंबर को ये पता रहे थे कि पांच मेंबर ज्यादा नहीं रहे हैं वो बार बार बड़ी चीज को दोहरा रहे थे लेकिन टीम मेंबर इसे सुन नहीं रहे थे थोड़ी ना कर रहे हैं लेकिन जो मार रही है इसका मतलब लीडर लोग फॉलो नहीं कर रहे थे मतलब ये जगह पे वो लीडर लोग फॉलो नहीं कर रहे थे लीडर लोग फॉलो करना चाहिए तो लीडर भी क्या है तो लीडर लोग होता है शायद सही हो या गलती हो देखिए रिसोर्स ज्यादा लेना कोई गुनाह नहीं लेकिन रिसोर्स के अनुसार प्रोडक्टिविटी वो इम्पोर्टेंट ज्यादा रिसोर्स लिए तो वो कोई गुनाह नहीं है लेकिन उसके अनुसार परफॉर्म करना वो नहीं हो पाए क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कॉस्ट कहाँ से आएगा आपका परफॉर्मेंस वर्सेस द टोटल कॉस्ट तो अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता टोटल कॉस्ट आपका कोई मैटर ही नहीं करता यंग मेजर का टीम आया था रॉ मटेरियल से काके डैम में किया था उन्होंने मान लीजिए 8,000 रुपया खर्चा किया देखिए रांची से इतना सामान हम क्यों लेके आए इधर वो आपको हिंट दे रहे हैं कि आप बहुत सारा ले सकते हैं उनका 60 मीटर चला गया तो कॉस्ट पर मीटर बहुत कम हो जाता है अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो जाता है इट इज नॉट यहाँ पे हमने आपको भी बजट का लिमिट भी नहीं दिया था कि आप 6,000 में कीजिए वो आपके ऊपर था कि हम कितना लेंगे कितना बनाएंगे तो कभी कभी क्या है सोच भी बड़ी रखनी चाहिए विजन भी बड़ा रखना चाहिए कॉस्ट कटिंग ठीक है कॉस्ट कटिंग वगैरह क्या है कि एक बार चल रहा है तो आप खर्चा मत करो आप एक बेंच मार्क है इसमें तो कोई बेंच मार्क ही नहीं है आप कंपेयर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम आज का ख़त्म हो गया है स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी जिसमें अब हम चलते हैं वापस MTI ऑफिस हॉस्टल में गाड़ियां रेडी हैं सारे पार्टिसिपेंट गाड़ियों में बैठने की तैयारी कर रहे हैं ओके बाय आज का प्रोग्राम ख़त्म गाड़ियां रेडी जाने के लिए MTI ऑफिस आपको मतलब प्रोएक्टिव होना है मतलब